फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अपकमिंग बजट 2023 1 फरवरी को प्रेजेंट करने वाली हैं। ऐसे में आम नागरिकों स्पेशली सैलरीड इंडिविजुअल्स को टैक्स में राहत की उम्मीद है। टैक्स पेयर्स को लंबे समय से नई छूट का इंतजार है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि टैक्स पेयर्स को लेकर कुछ बड़े ऐलान इस बार किए जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले एग्जिस्टेड इनकम टैक्स रेट्स को एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो फिलहाल दो टैक्स रिजीम्स हैं, वन इज ओल्ड टैक्स रिजीम एंड सेकेंड इज न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो 2.5 लाख रुपए सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के इनकम पर 5% स्लैब रेट लागू है। 5 लाख से 10 लाख रुपए के इनकम पर 20% स्लैब रेट है। इसके अलावा 10 लाख से 20 लाख रुपए की सालाना इनकम पर 30% स्लैब रेट लागू किया गया है। 20 लाख से ज्यादा की इनकम पर 30% स्लैब रेट है। वहीं 2020 में न्यू टैक्स रिजीम को प्रेजेंट किया गया था। इसमें टैक्स स्लैब को बढ़ाया गया था। नई व्यवस्था में 2.5 लाख रुपए तक के आय पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता। 2.5 से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% टैक्स लगाया जाता है, जिसमें 87A के तहत रिबेट का प्रोविजन है। 5 से 7.5 लाख रुपए की इनकम पर 10%, 7.5 से 10 लाख तक की इनकम पर 15%, 10 से 12.5 लाख रुपए तक की इनकम पर 20%, 12.5 से 15 लाख तक की इनकम पर 25% और उसके बाद 15 लाख से ज़्यादा अगर किसी की इनकम है तो डायरेक्ट 30% का जो टैक्स है वो देना पड़ता है। हालांकि टैक्स पेयर्स ने न्यू टैक्स रिजीम को ज़्यादा पसंद नहीं किया। इसके पीछे रीज़न था कि नए इनकम टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपए तक के सालाना इनकम वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन पुराने टैक्स रिजीम में 7.5 लाख रुपए तक की कमाई करने वाले टैक्स देने से बच जाते हैं और देश की ज़्यादातर सैलरीड लोग जो हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में दरें कम हैं, लेकिन इसमें होम लोन के प्रिंसिपल या ब्याज या फिर बचत पर टैक्स छूट के अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता है। हालांकि जो लोग डिडक्शन का फ़ायदा नहीं लेना चाहते वो न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन डेटा की अगर हम लोग बात करें तो 2021-2022 असेसमेंट ईयर में 5% से भी कम टैक्स पेयर्स ऐसे थे जिन्होंने इनकम टैक्स की न्यू टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था। अब उम्मीद है कि दोनों टैक्स रिजीम्स में सरकार टैक्स पेयर्स को थोड़ी सी राहत दे सकती है। पुरानी टैक्स व्यवस्था में 5 से 10 लाख की इनकम पर सीधे 20% का टैक्स भरना होता है। इसे 10-15% किया जा सकता है और साथ ही इसमें नया स्लैब भी जोड़ा जा सकता है, जैसे 5 लाख से 7.5 और फिर 7.5 से 10 लाख। इसके अलावा 10 लाख से ऊपर की कमाई पर जो 30% टैक्स लगता है उसे 25% किया जा सकता है। अब नए टैक्स रिजीम की बात करते हैं, इसमें बदलाव की क्या उम्मीदें हैं और कितने की मांग जो है वो की जा रही है। तो देखिए 12.5 लाख से 15 लाख रुपए पर टैक्स स्लैब 25% है, जिसे 20% करने की मांग की जा रही है। 15 लाख से 20 लाख रुपए पर जो रेट है टैक्स का वो है 30%, जिसे 20% करने की मांग है। इसके अलावा 20 लाख से ज़्यादा की जो इनकम पर रेट लगता है वो लगता है 30% और उसे मांग किया जा रहा है कि इसे 25% किया जाए। टैक्स स्लैब में 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इनकम के लिए हाईएस्ट स्लैब रेट सरचार्ज एंड सेस को मिलाकर करंटली 42.44% है। ऐसे में प्रस्तावित उच्च टैक्स स्लैब रेट को सरचार्ज एंड सेस समेत घटाकर 35.62% किया जा सकता है। इसके अलावा नई टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा टैक्स पेयर्स को दिया जा सकता है। इनकम टैक्स स्लैब की पुराने रिजीम में टैक्स पेयर्स को सेक्शन 80C के तहत बीमा, ELSS, प्रोविडेंट फंड, PPF और बच्चों के ट्यूशन फीस के साथ होम लोन के मूलधन पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है। 2 लाख रुपए तक होम लोन के ब्याज पर भी टैक्स छूट का प्रावधान है। 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ मिलता है, जो इनकम टैक्स की नई व्यवस्था में सैलरीड लोगों को नहीं मिलता। तो सरकार से मांग की गई है कि ये टैक्स पर छूट के फायदे नए टैक्स रिजीम में भी दिए जाएं। साथ ही एक्सपर्ट्स का ये भी अनुमान है कि इस बार सरकार टैक्स का स्लैब बदलने के साथ साथ तमाम तरह के इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाली छूट की सीमा भी बढ़ा सकती है। इसमें NPS, PPF और ELSS जैसे निवेश योजनाएं शामिल हैं। PPF पर टैक्स छूट और निवेश की सीमा को 3 लाख रुपए तक बढ़ाए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं, जो कि अभी सिर्फ 1.5 लाख रुपए सालाना है। वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी 50,000 से 1.5 लाख करने की उम्मीद जताई जा रही है।
वेल, आपको इनकम टैक्स को लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार के बजट से, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बजट से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन के लिए आप गुड रिटर्न्स के साथ जुड़े रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।